नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण देवर्धन नक्सल। दोस्तों, मैं रीडेवलपमेंट के प्रोसेस को क्रिटिसाइज कर रहा हूं तो इस बेसिस पे क्रिटिसाइज कर रहा हूं कि रीडेवलपमेंट से कई लाखों लोग पीड़ित हैं आज के तारीख में। आज के तारीख में ऐसे मुंबई में मैं समझता हूं लाखों लोग हैं जो अपने फैमिलीज के साथ एक रेंटल हाउस से दूसरे रेंटल हाउस में जा रहे हैं। और दोस्तों, मैं आज सिर्फ बात कर रहा हूं नॉर्मल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के रीडेवलपमेंट के बारे में, यानी मैं एसआरए रीडेवलपमेंट की बात ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उसका थोड़ा अलग है, उसके बारे में थोड़ा वाद विवाद हो सकता है, थोड़ा कॉन्ट्रोवर्सी हो सकता है। मैं उसमें आज पढ़ना नहीं चाहता हूं, किसी और दिन। मैं सेस्ट बिल्डिंग्स, मतलब पुराने जो 100 साल पहले के जो बिल्डिंग्स थे जिसमें लैंडलॉर्ड्स भी रहते थे, टेनेंट्स भी रहते थे, बहुत पुराना बिल्डिंग लकड़े का बना हुआ रहता था, स्ट्रक्चर्स जो साउथ बॉम्बे में मिलते हैं, लोअर परेल, दादर, अपना कालबा देवी, ऐसे टाइप के एरियाज में जहां मिलते हैं, वो पुराने वाले जो ये हैं स्ट्रक्चर्स हैं, मैं उनकी बात नहीं करूँगा। मैं उसका रीडेवलपमेंट कुछ और ही है, उसके इश्यूज भी कुछ और हैं और उसकी बात ही कुछ और है, तो मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं, किसी और दिन। अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल फ्लैट्स, जिसे हम एक मिडिल क्लास हाउसिंग कहेंगे, उसके रीडेवलपमेंट के बारे में। और ये मिडिल क्लास हाउसिंग किस टाइप के होते हैं, तो टिपिकली वो बना हुआ होता है 80s के दशक में या 70s के दशक में, और 3-4-5 माले का बिल्डिंग होता है। यूजुअली मैं समझता हूं 3-4 माले का ही बिल्डिंग होता है, उसके अराउंड एक छोटा सा कंपाउंड होता है और उसमें एक्स्ट्रा FSI है। कभी कभी वो FSI कट हो जाता है क्योंकि रोड कटिंग में आ जाता है या प्लेग्राउंड रिजर्वेशन या कोई और रिजर्वेशन में आ जाता है। तो इस तरह से रिजर्वेशंस में जो कट हो जाता है तो उतना FSI कम होता है, लेकिन टिपिकली ये टाइप के स्ट्रक्चर्स को आप रीडेवलप कर सकते हो और उसमें आप, यानी कि बिल्डर, 20-25% एक्स्ट्रा ऑफर करता है या 15% एक्स्ट्रा स्पेस ऑफर करेगा। और फिर वहां पे जो तीन चार माले का जो बिल्डिंग था उसके बदले में वो 18-20 माले या 25 माले का बिल्डिंग बनाएगा। ये टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं, वो स्लम TDR खरीद के लेके आएगा वगैरह, और भी ऊंचा बना सकता है। तो ये टाइप के जो हैं, ये हम इस रीडेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। अब ये जो रीडेवलपमेंट है उसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उसका जो फाउंडेशन है नींव, वो नींव एक झूठ पर खड़ा है। झूठ है, बहुत बड़ा झूठ है, कानूनी झूठ है, वो लीगल फिक्शन है, यानी कि कानून की नजरों में वो सच है लेकिन आप हकीकत को देखोगे तो वो झूठ है, ऐसा नहीं है। उस झूठ पे खड़ा हुआ ये जो रीडेवलपमेंट है वो एक बहुत बड़ी लीगल ब्लैक होल के अंदर चला जाता है। लीगल ब्लैक होल मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूं। असल में देखने जाओगे तो रीडेवलपमेंट को करीब करीब कोई भी कानून ठीक से नहीं कवर करता है। आप कहोगे लोग सिविल कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, करेक्ट, लोग सिविल कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, करेक्ट, लेकिन न्याय नहीं मिलता, न्याय मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि वो जो लीगल ब्लैक होल है वो सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ और कॉपरेटिव लॉ के बीच के एक गैप में फंसा हुआ है। यानी वो एक ऐसा जगह है जहां पे कॉपरेटिव कोर्ट में तो आप जा ही नहीं सकते हो, क्योंकि जब बिल्डर एंट्री मार के आ जाएगा, बिल्डर के साथ आपके कॉपरेटिव सोसाइटी ने एग्रीमेंट साइन कर दिया, रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन कर दिया, तो आप किसके अगेंस्ट कॉपरेटिव कोर्ट में जाओगे, सोसाइटी के अगेंस्ट। लेकिन सोसाइटी के हाथ में है, कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो बिल्डर के हाथ में चला गया है, बिल्डर के अगेंस्ट। लेकिन बिल्डर तो कॉपरेटिव सोसाइटी के, यानी ही इज नॉट पार्ट ऑफ कॉपरेटिव, वो कॉपरेटिव मूवमेंट में नहीं है, वो कॉपरेटिव रजिस्ट्रार के अंडर आता ही नहीं है,
उसका कोई लेना देना नहीं है कॉपरेटिव से, लेकिन कॉपरेटिव सोसाइटी उसे एक ये देती है, परमिशन देती है, एक नहीं अनेक परमिशंस देते हैं, डेवलपमेंट राइट्स देते हैं, ओके। और कॉपरेटिव रजिस्ट्रार के नजरों में, कॉपरेटिव रजिस्ट्रार के सामने बिल्डर को सिलेक्ट करते हैं, बिल्डर का नाम लेके एक एक आदमी आएगा, कैमरा के सामने खड़ा होगा, सिलेक्ट करेगा बिल्डर को। तो होता है कॉपरेटिव डिपार्टमेंट की नजरों के सामने, लेकिन अगर वो रीडेवलपमेंट में बिल्डर फेल हो जाता है, मतलब रीडेवलपमेंट कर नहीं पाता है, आगे बढ़ा नहीं सकता है, बिल्डिंग को तोड़ के स्थगित हो जाता है, या कभी कभी बिल्डिंग को तोड़ा भी नहीं, बिल्डिंग अपने आप में सड़ रहा है, यानी कोई मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, बिल्डिंग ऐसे हालत में पहुंच जाता है कि गिर जाएगा, लेकिन बिल्डर आईओडी और सीसी से आगे बढ़ता ही नहीं है, बिल्डिंग को कभी कभी डेमोलिश भी नहीं करता है। तो ये हाल में लोग रहते हैं, कभी डर में रहते हैं, कभी घर छोड़ देते हैं क्योंकि उनको डर है कि कहीं छत उनके सर पे ना गिर जाए, उनकी मौत ना हो जाए, तो वो लोग घर छोड़ देते हैं। दूसरे बिल्डर को सिलेक्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि ये बिल्डर छोड़ता नहीं है, ये बिल्डर कहता है यहां पे मेरा हक है, मेरा अधिकार है क्योंकि मैंने इतने पैसे खर्च किए हैं। तो यहां पर एक टाइप की स्लेवरी या एक टाइप का वो क्या कहते हैं, बॉन्डेड लेबर टाइप का सिचुएशन हो जाता है कि ये सोसाइटी के जो लोग हैं ये मेरे हैं, मैं इनका मालिक हूं, ये सोसाइटी का मैं मालिक हूं, इस तरह से एक सिचुएशन खड़ा हो जाता है, बिल्डर उसका मालिक बन जाता है। अब दोस्तों इसमें बहुत सारे सिचुएशंस हैं, मैं कोशिश करूंगा कि धीरे धीरे सभी सिचुएशंस को आपके सामने लाऊं और डिस्क्राइब करूं कि किस तरह के सिचुएशंस में, किस तरह की परिस्थिति में लोग आके फंस जाते हैं। लेकिन अभी मैं ऊपर ऊपर से उड़ते उड़ते टॉपिक को टच करना चाहता हूं। पहले तो मैं आपको ये समझा रहा हूं कि कानून के जो तीन हिस्से हैं, एक है क्रिमिनल, एक है सिविल और एक है कॉपरेटिव। कॉपरेटिव में आता नहीं है रीडेवलपमेंट, अगर बिल्डर के हाथों में चला गया है तो कॉपरेटिव डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर सकता है, वो हाथ धो लेगा। जब तक वो कॉपरेटिव सोसाइटी बाद में दोबारा फॉर्म नहीं हो जाता है, यानी कि बिल्डर ने पूरा बिल्डिंग खत्म किया और लोगों को हैंडओवर किया और फिर नया कॉपरेटिव सोसाइटी बना, उस नए कॉपरेटिव सोसाइटी को कॉपरेटिव रजिस्ट्रार रिकॉग्नाइज करेगा और फिर शुरू होता है, चलो भाई मैं अब से हमारा इंचार्ज हम, यानी इस सोसाइटी का इंचार्ज हम हैं, कॉपरेटिव डिपार्टमेंट। कॉपरेशन डिपार्टमेंट का कुछ लेना देना नहीं होता है जब तक बिल्डर के हाथों में है। अब दिक्कत ये है दोस्तों कि लोग जो है ना, यानी कि सोसाइटी के मेंबर्स, वो लिटरली अनाथ हो जाते हैं, वो अनाथ हो जाते हैं, और सिर्फ इसलिए क्योंकि कानून एक झूठ के ऊपर खड़ा है। वो झूठ क्या है मैं आपको समझाता हूं। झूठ ये है, लीगल फिक्शन ये है कि सोसाइटी एक ओनर है, सोसाइटी इज द ओनर ऑफ द बिल्डिंग, ओवरऑल स्ट्रक्चर एंड द लैंड, सोसाइटी उसका मालिक है, ओके। अब आप मुझसे पूछोगे है तो सही, ऐसा ही है, नहीं तो हर एक इंडिविजुअल तो ओनर नहीं हो सकता। बराबर है, आप जो कह रहे हो सही है कि हर एक इंडिविजुअल को आप ओनर बनाओगे तो कैसे चलेगा, वो लैंड को डिवाइड करोगे क्या छोटे छोटे हिस्सों में, क्योंकि ये लैंड के ऊपर खड़ा है, और फ्लैट्स सारे एक के ऊपर एक एक बिल्डिंग के अंदर खड़े हैं, हर एक आदमी अपना अपना फ्लैट का मालिक अगर माना जाए, और अगर वो मालिक कहेगा मैं अपनी फ्लैट को डिमोलिश करना चाहता हूं या कुछ ना कुछ, तो सोसाइटी कैसे बचेगा, बिल्डिंग कैसे बचेगा, सही है। लेकिन इस अनलाइकली सिनेरियो से बचने के लिए क्या हो रहा है कि एक और मुसीबत खड़ी हो रही है, और मुसीबत क्या है आपको मैं समझा रहा हूं कि मुसीबत सोसाइटी के मेंबर्स पे किस तरह का आता है। सोसाइटी
यानी कि मैनेजिंग कमेटी, मैनेजिंग कमेटी यानी कि ऑफिस बेयरर्स। तो ऑफिस बेयरर्स की जिम्मेदारी होती है कि वो सही बिल्डर को चुने और वो जिम्मेदारी से बिल्डर पर लगाम रखें, बिल्डर को के ऊपर यानी वो ये क्या क्या कहते हैं उसको जवाबदार ठहराएं कि वो पारदर्शी तरीके से हर काम को सोसाइटी के सामने लाए और सोसाइटी यानी कि मैनेजिंग कमेटी हर बात को अपने मेंबर्स के सामने रखे और मेंबर्स को साथ में लेके जाए। ये होता है एक अच्छा सिनेरियो, एक सही तरीके से रीडेवलपमेंट होना। लेकिन ऐसे नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। ज्यादातर में क्या होता है, ज्यादातर सोसाइटीज की बात कर रहा हूं, ज्यादातर सोसाइटीज में ये होता है कि जो लीडर्स होते हैं, जो मैनेजिंग कमेटी के ऑफिस बेयरर्स बन जाते हैं, सोसाइटी के ऑफिस बेयरर्स बन जाते हैं, चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, वो लोग इतना मजबूती से काबू कर लेते हैं, सोसाइटी में कोई कुछ सवाल नहीं कर सकता है, कोई सवाल नहीं। और वो लोग हो जाते हैं बिल्डर के तरफ, इसका मैंने पहले भी जिक्र किया है, तो वो बिल्डर के तरफ हो जाते हैं। वो बिल्डर की तरफ क्यों होते हैं, तो इसका एक कारण है, उनके दिमाग में एक भ्रम है। वो भ्रम ये है कि हमें डरना है तो सोसाइटी वालों से डरना है, सोसाइटी के इंडिविजुअल मेंबर से डरना है, बिल्डर से डरना नहीं है। बिल्डर हमारा दोस्त है, बिल्डर हमारा सगा है, बिल्डर हमको नया बिल्डिंग बना के देगा। लेकिन सोसाइटी वाले जो हैं, इंडिविजुअल मेंबर्स हैं, जो सवाल पूछते हैं, वो लोग ब्लैकमेल करेंगे बिल्डर के अगेंस्ट, ब्लैकमेल बिल्डर को ब्लैकमेल करेंगे, ओके, और यानी रीडेवलपमेंट को रोक देंगे, वो लोग केस करेंगे। अब सही बात ये है कि सोसाइटी के इंडिविजुअल मेंबर्स केस कर ही नहीं सकते हैं, इंडिविजुअल मेंबर्स केस कर ही नहीं सकते हैं बिल्डर के अगेंस्ट, क्योंकि कोर्ट्स कहते हैं कि उनका कोई लोकस स्टैंड ही नहीं है, उनका कोई उनका स्टैंड है ही नहीं। कोर्ट जजेस पूछते हैं, भाई तुम हमारे पास आए हो मिस्टर रमेश गुप्ता, तो रमेश गुप्ता जी आपने बिल्डर के साथ अग्रीमेंट साइन किया है क्या? वो कहेगा हाँ, ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट साइन किया। लेकिन ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट के आधार पर बिल्डर रीडेवलपमेंट कर रहा है क्या? नहीं सर, वो कर रहा है डेवलपमेंट अग्रीमेंट के आधार पर। डेवलपमेंट अग्रीमेंट किसने साइन किया है? तो कोऑपरेटिव सोसाइटी ने साइन किया, मैनेजिंग डायरेक्टर यानी मैनेजिंग कमेटी ने साइन किया है, सोसाइटी ने, ठीक है। अब अगर कुछ गलत हो रहा है तो कोर्ट में आने का अधिकार किसके पास है? कौन आएगा कोर्ट में उस बिल्डर के खिलाफ? मैनेजिंग कमेटी। तो वो कहेंगे मिस्टर रमेश गुप्ता आप क्यों आए हो, मैनेजिंग कमेटी को भेजो ना। वो कहेंगे सर मैनेजिंग कमेटी बिल्डर के तरफ हो चुका है, वो बिल्डर के अगेंस्ट एक भी कदम नहीं उठाना चाहते, वो कुछ करना ही नहीं चाहते। तो जजेस कहेंगे तो हम क्या करें, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, हम क्या करें, क्योंकि तुम्हारा कोई लोकस स्टैंडाई है ही नहीं, तुम हमारे सामने कुछ भी नहीं हो, तुमको खड़ा क्यों करेंगे हम, तुमने तो अग्रीमेंट किया नहीं है, अग्रीमेंट सोसाइटी का है, सोसाइटी का बिल्डर के साथ में है, तुम कौन होते हो? तो ये जो दिक्कत है इसको पार नहीं किया जा सकता है। हां, आप अगर 51% मेजॉरिटी लाते हो, मेजॉरिटी से आप कमेटी को वो ये बदल दो, फिर आप कुछ ना कुछ कार्रवाई करो, तो शायद आप बिल्डर को निकाल पाओगे, वो भी शायद, बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत मुश्किल प्रोसेस है, शायद आप बिल्डर को निकाल पाओगे, अगर उसको गलत साबित कर पाओगे कोर्ट के माध्यम से। यानी बिल्डर के लिए बहुत आसान है, आपके लिए बहुत मुश्किल है, ये एक सिंपल बात मैं आपको समझा रहा हूं। और आप अगर इंडिविजुअल मेंबर हो सोसाइटी के मेंबर, और बिल्डर कोई कुछ नहीं बता रहा है, आपको कुछ नहीं बता रहा है, सोसाइटी को बता रहा है तो बता रहा है, आपको पता ही नहीं है, आपके सेक्रेटरी, आपके मैनेजिंग कमेटी आपसे बात नहीं करते हैं, और जब रीडेवलपमेंट शुरू होता है ना, तो और एक बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती है। ये दोस्तों इतनी बड़ी दिक्कत है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है,
प्रॉब्लम यह है कि लोग बिखर जाते हैं, सोसाइटी में जो रहने वाले लोग हैं वो इधर उधर बिखर जाते हैं, एक जगह पे रहते नहीं है, साथ में तो रहते नहीं है। कुछ लोग एक ही नेबरहुड में रहेंगे, यानी बोरीवली में अगर रिडेवलपमेंट हो रहा है तो हो सकता है कि 50 लोगों का सोसाइटी है तो उनमें से 5 लोग बोरीवली में इधर उधर, बोरीवली ईस्ट, बोरीवली वेस्ट, इधर एरिया में रहेंगे, बाकी के लोग जाएंगे, कोई वसई जाएगा, कोई मीरा रोड जाएगा, कोई विरार जाएगा, कोई पालघर जाएगा, पता नहीं कौन अंबरनाथ जाएगा, कोई अपने गांव में चला जाएगा और वो बैठ जाएगा, फिर वो इंटरेस्ट ही नहीं लेगा, क्योंकि मैनेजिंग कमेटी वाले ऑफिस बेयरर्स भी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। ऑफिस बेयरर्स मीटिंग्स बुलाएंगे नहीं, क्यों नहीं बुलाएंगे, क्योंकि जब बुलाते हैं तो लोग उनसे पूछते हैं, सवाल करते हैं, बिल्डर ने कहा था कि 3 साल में तैयार हो जाएगा, आपने अग्रीमेंट साइन किया, अब 5 साल होने को आए, आप क्या कर रहे हो, उसका कोई जवाब होता नहीं है, सोसाइटी के पास, मैनेजिंग कमेटी के पास कोई जवाब होता नहीं है। लोग नाराज हो जाते हैं, चेयरमैन से नाराज होते हैं, सेक्रेटरी से नाराज होते हैं, तुम लोगों ने ये बिल्डर को सिलेक्ट करवाया, हम तुम्हारे ऊपर भरोसा करते थे, झगड़ा होता है। इसलिए बेसिकली क्या होता है कि लोग सामने आते ही नहीं है, सोसाइटी के चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर आते ही नहीं है मीटिंग में, जाओ कर लो जो करना है, क्या जरूरत है आने का। सोसाइटी अगर सब लोगों का नसीब सही रहा, अगर बिल्डर ने अपने सही तरीके से काम किया तो चलो 3-4 साल में नहीं तो 6-7 साल में यानी बिल्डिंग खड़ा कर देगा, सेल कंपोनेंट को बेचने लगेगा, उससे पहले सब लोगों को रिहैब में अपना घर दे देगा और उम्मीद ये है कि आपका जो घर है वो अच्छे क्वालिटी का होगा, क्योंकि कई बार रिहैब वालों का घर अच्छे क्वालिटी का नहीं होता है, सेल कंपोनेंट अच्छे क्वालिटी का होता है, रिहैब वालों का यानी नंबर 2 नंबर 3 माल से काम किया जाता है। रिहैब कंपोनेंट यानी कि जो लोगों ने सोसाइटी में डेवलपमेंट अग्रीमेंट किया है और जो लोगों ने बिल्डर को राइट्स दिए, वो लोग अब बिल्डर को कड़वे लगने लगते हैं, वो उनका मुंह, उनका चेहरा बिल्डर को पसंद नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनको तो सिर्फ देना है, उनसे कुछ लेना नहीं है, बिल्डर को देना ही है, फ्लैट्स देने हैं, सेल कंपोनेंट वालों से पैसे लेने हैं, तो वो लोग भाई मीठे लगने लगते हैं, अच्छे लगते हैं, वो सामने आते हैं तो बिल्डर खुश होता है, और सोसाइटी वाले जब सामने आते हैं तो बिल्डर नाराज होता है, इरिटेट होता है, रास्ता यानी अपने जगह पे निकल जाता है, सर ऊपर पतली गली से निकल जाएगा, अपना कोई काम याद आ जाएगा उसको, मतलब ये टाइप का बिहेवियर आप देखोगे बिल्डर के साथ। बिल्डर आपको टाइम नहीं देता है, अपॉइंटमेंट नहीं देता है, उसके पीछे भागते रहो, फोन करते रहो, वो टाइम ही नहीं देगा आपको। क्वाइट ऑफन, हमेशा नहीं लेकिन क्वाइट ऑफन, जो रिहैब कंपोनेंट है, एक्चुअली रिहैब मतलब याद रखो दोस्तों, ये SRA नहीं है, ये मिडिल क्लास नॉर्मल लोग हैं, फिर भी रिहैब कंपोनेंट मतलब जो लोग पहले बिल्डर को डेवलपमेंट राइट्स दे रहे थे उनको सेकेंड क्वालिटी का घर मिलता है, शायद बिल्डिंग अलग से दिया तो सेकेंड क्वालिटी का बिल्डिंग दिखेगा, वो दिखता है कि ये इन्फीरियर है, उनके आने जाने का रास्ता अलग कर देगा। ऑलमोस्ट SRA को जो ट्रीटमेंट देते हैं ना, चलो SRA को ट्रीटमेंट देना एक बात मैं जायज समझ भी लूं, क्योंकि वो स्लम ड्वेलर्स हैं और फ्री में उनको घर दिया है, वैसे वो लोग वो यानी कब्जे करके बैठे थे ऐसे भी समझा जा सकता है, कुछ लोगों ने कब्जा किया जमीन को तो कब्जेदार है, लेकिन ये लोगों ने तो बाकायदा घर खरीदा था, किसी ने 20 लाख 25 लाख दे के घर खरीदा था, किसी ने 5-10 लाख दे के घर खरीदा था 1980s में 1990s में, लेकिन वो घर का मालिक है भाई, आप उसको सेकेंड क्लास सिटीजन नहीं बना सकते हो, लेकिन वो बना देते हैं, उनका जो अगर अलग से विंग रहा या अलग से बिल्डिंग रहा तो दिखेगा कि ये रिहैब है, ये कंडेम्ड है, और जो सेल कंपोनेंट है उसकी तो उसका तो शान ही कुछ और है, तो लोगों को एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। और अब जो कॉपरेटिव सोसाइटी बनता है, पहले का कॉपरेटिव सोसाइटी डिसॉल्व हो जाएगा,
क्योंकि पहले अगर 50 फ्लैट्स थे और अब अगर 150 फ्लैट्स हैं, तो 10 ये 100 फ्लैट्स जो हैं वो नए वाले लोगों को मिलेंगे और 50 फ्लैट्स जुने वाले पुराने वाले। तो जुने पुराने जो लोग हैं उनका क्लास भी दिखेगा कि भाई इनका कोई क्लास नहीं है। नए वाले जो आते हैं सेल कंपोनेंट में, भाई वो पैसा दे के आए हैं ना, तो उनकी थोड़ी ज्यादा क्लास है। तो वो जो क्लास डिफरेंस बीच में आ जाता है, उसके बाद नया सोसाइटी बनता है। नया सोसाइटी बनेगा तो ऑलमोस्ट सर्टनली पुराने सोसाइटी के कोई मैनेजिंग ये कमेटी मैनेजिंग कमेटी में कोई ऑफिस बेयरर नहीं रहेगा, सब नए नए वाले। तो एक्चुअली आप देखोगे ना तो पुराना वाला सोसाइटी मर जाता है और नया वाला सोसाइटी का जन्म होता है। अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं है, अगर सही तरह से चला तो। हर बार ये सही तरह से चलता नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा, जैसे ही बिल्डिंग टूटता है, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको बताता हूं। जैसे बिल्डिंग टूट रहा है, अगर सोसाइटी ऑफिस में कबर्ड्स थे और कबर्ड्स के अंदर सारे जो ये थे सोसाइटी के डॉक्यूमेंट्स थे, शेयर सर्टिफिकेट, रजिस्टर, ये वो बहुत सारे रजिस्टर्स रहते हैं सोसाइटी के, तो वो सारे रजिस्टर्स बेघर हो जाते हैं। उनको कहां पे डालना है, बहुत सारे पेपर्स हैं। कभी कभी अगर लोगों का नसीब अच्छा रहा तो सोसाइटी का सेक्रेटरी या चेयरमैन लेके जाएगा अपने घर, अच्छे से संभालेगा तो उनका नसीब अच्छा है, संभाल के इनको जब जरूरत पड़े देगा तो और भी अच्छा है, क्योंकि वो कॉपरेट नहीं करेगा, देगा ही नहीं उनको, तो फिर वो एज गुड एज वो है ही नहीं। लेकिन कई सोसाइटीज में ये होता है, जैसे बिल्डिंग टूट रहा है, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे बेघर हो जाते हैं, सोसाइटी का ऑफिस बेघर हो जाता है। बिल्डर कहता है काम करता हूं, ये मैं मेरे ऑफिस में लेके जाता हूं। अब सोसाइटी के ऑफिस बेयरर्स बिल्डर को सगे मान चुके हैं, तो वो कहते हैं हां सर आप लेके जाइए, हमको आपके ऊपर पूरा पूरा भरोसा है। बिल्डर सारा वो पुराने पेपर्स सब लेके जाता है, ओरिजिनल पेपर्स सोसाइटी के। सोसाइटी के हाथ में कुछ भी नहीं है, बिल्डर के हाथ में सब कुछ है, इंक्लूडिंग पेपर्स। कल उठ के अगर कोर्ट जाना हुआ, कल उठ के अगर मुकदमा चलाना हुआ बिल्डर के अगेंस्ट, क्योंकि बिल्डर ने डिलीवरी नहीं दिया, तो लोगों के पास पेपर्स भी नहीं है, ओरिजिनल पेपर्स भी नहीं है, वो लोग मुकदमा कैसे करेंगे, हैंडीकैप हो जाते हैं। तो ये टाइप का मिसमैनेजमेंट होता है रीडेवलपमेंट के टाइम पे। ऐसे बहुत लंबी कहानी है, बहुत ही दुखद कहानी है रीडेवलपमेंट की। सक्सेस होता है तो अपना नसीब अच्छा है, ऐसे समझो। मैं हूं आपका दोस्त कृष दी अर्बन नक्सल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जवान, जय किसान।